बड़ी खबर आपको बता दें, हूती विद्रोहियों पर अमेरिका और ब्रिटेन ने अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। अमेरिका और ब्रिटेन का नए साल में ये अब तक का सबसे बड़ा हमला है। यमन के हूती विद्रोहियों पर हवाई हमला किया गया है। यमन की राजधानी में 4 धमाके किए गए हैं अमेरिका और ब्रिटेन की तरफ से। ये तमाम जो हूती विद्रोही हैं, उनके तमाम ठिकानों पर देखे किस तरीके से गोला बारूद से हमला किया गया है। जानकारी मिल पा रही है कि अमेरिका की तरफ से ये भी साफ तौर पर कहा गया है कि कई देशों के समर्थन के बाद हूती विद्रोहियों के इन तमाम ठिकानों को तबाह किया गया है। हूती विद्रोही वही चरमपंथी संगठन जो लगातार हमास के हिमायती बनते हैं और इसराइल पर लगातार अटैक कर रहे थे, और ऐसे में जिस तरीके से हूती विद्रोही लगातार अमेरिका के ठिकानों को, अमेरिका की शिप्स को निशाना बना रहे थे, उसके बाद अमेरिका और ब्रिटेन की तरफ से ये अब तक का सबसे बड़ा हमला कहा जा रहा है। यमन की राजधानी में भी 4 बड़े धमाके हुए हैं और तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं ये तमाम धमाकों की तस्वीरें। लगातार अब रिटेलिएट हूती विद्रोही की तरफ से तो जरूर किया जा रहा है, लेकिन अमेरिका ब्रिटेन भी लगातार जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं। तो अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलकर ये बड़ा हमला किया है। ये तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, देखिए किस तरीके से हवाई हमले एक के बाद एक यहां पर हूती लड़ाकों पर किए गए हैं, कई ठिकाने तबाह किए गए हैं। ये बड़ा दावा अमेरिका और ब्रिटेन की तरफ से किया गया है। दो तस्वीरों के जरिए आप समझने की कोशिश कीजिए कि किस तरीके से हूती लड़ाकों पर ये अब तक का नए साल का सबसे बड़ा हमला अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलकर किया है। अमेरिका की तरफ से साफ तौर पर कह भी गया है कि कई ऐसे देश हैं जो आपको बता दें, ऑस्ट्रेलिया, बेरिन और कनाडा के समर्थन से ये बड़ा हमला किया गया है। बाइडेन की तरफ से साफ तौर पर ये कहा गया है। दो तस्वीरों के जरिए आप समझने की कोशिश कीजिए कि किस तरीके से यमन की राजधानी में 4 बड़े धमाके किए गए हैं। गोला बारूद जो है वो अमेरिका और ब्रिटेन की तरफ से यमन के राजधानी में भी किए गए हैं, और इसके अलावा हूती विद्रोही जो चरमपंथी संगठन है, जो लगातार हमास के हिमायती हैं, उनके ठिकानों को भी निस्तोनाबूद कर दिया गया है। ये दो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। देखिए हूती विद्रोहियों पर ये जोरदार हमला अमेरिका की तरफ से किया गया है। आपको ये भी बता दें कि जिस तरीके से अमेरिका लगातार इसराइल की मदद भी कर रहा था, व्यापारिक तौर पर जो शिप्स वहां पर हैं उन पर हूती विद्रोही लगातार अमेरिका के शिप्स पर अटैक कर रहे थे, और यही वजह है कि अमेरिका और ब्रिटेन ने अब रिटेलिएट किया है। और जानकारी मिल पा रही है कि यमन की राजधानी में 4 बड़े धमाके हुए हैं। इसके अलावा हूती विद्रोहियों के तमाम ठिकाने जो हैं वहां पर भी ये जोरदार जबरदस्त हमला जो है अमेरिका और ब्रिटेन की तरफ से किया गया है। तो अमेरिका और ब्रिटेन ने एक साथ मिलकर हूती लड़ाकों के खिलाफ बहुत बड़ी कार्रवाई को अंजाम दे दिया है। यमन में अमेरिका और ब्रिटेन ने बहुत बड़ी कार्रवाई की है। यमन में अमेरिका और ब्रिटेन ने हूती लड़ाकों के अड्डों को निशाना बना दिया है, और खबर तो ये भी मिल रही है कि यमन में जहां भी हूती लड़ाकों के अड्डे हैं वहां पर बम बरसा दिए गए हैं। यमन की राजधानी सना में भी 4 धमाके होने की खबर है। वहीं इस हमले के लिए हूती लड़ाकों ने भी जवाबी हमला किया है। हूती लड़ाकों ने अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइल से हमला किया है, ये भी जानकारी वहां से मिली है। यमन में हुए हूती लड़ाकों पर हवाई हमले को लेकर अमेरिका ने बयान भी जारी कर दिया है। अमेरिका का कहना है कि यमन में कई जगहों पर हूती लड़ाकों के अड्डों पर हमले किए गए हैं, और इन हमलों के पीछे कई देशों का समर्थन है। तो देखिए अमेरिका की तरफ से साफ तौर पर कहा जा रहा है जो भी हूती विद्रोही की तरफ से लगातार हमले किए जा रहे थे वो असफल हो रहे हैं। लेकिन इस बीच अमेरिका की तरफ से बड़ा बयान सामने आया है। उनकी तरफ से कहा गया है जो भी धमाके किए गए हैं हूती विद्रोहियों के ठिकानों पर, इन हमलों के पीछे कई देशों का समर्थन है उन्हें, और यही वजह है कि अब तक का सबसे बड़ा हमला अमेरिका और ब्रिटेन ने फिलहाल किया है। तो आपको बता दें कि हूती विद्रोहियों ने भी लाल सागर से जवाबी हमला किया है। लाल सागर से मिसाइलें दागी गई हैं। हमले के बाद हूती लड़ाकों ने पलटवार किया है। हालांकि देखिए जो पलटवार यहां पर हूती विद्रोहियों की तरफ से किया गया है वो लगातार असफल हो रहा है। हूती लड़ाकों ने लाल सागर में कई मिसाइलें दागी है, क्योंकि अमेरिका और ब्रिटेन की तरफ से ये बड़ा हमला हूती लड़ाकों पर किया गया है, उनके कई ठिकानों पर किया गया है, जिसके बाद अब हूती विद्रोहियों की तरफ से भी पलटवार किया जा रहा है। वहीं इराक से भी खबर मिल रही है कि अमेरिकी दूतावास पर हमला किया गया है, लेकिन हमला किसने किया है
इसका अभी तक भी पता नहीं चल पाया है। ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे, इराक में अमेरिकी दूतावास पर हमला हुआ है, लेकिन ऐसे वक्त में जब पहले अमेरिका और ब्रिटेन की तरफ से ये जबरदस्त अटैक किया गया, अब ऐसे में इराक से खबर सामने आना, तो इसीलिए इससे भी जोड़कर देखा जा सकता है। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया, कोई ऑफिशियल जानकारी इसकी नहीं है कि हमला किसकी तरफ से किया गया है, लेकिन ऐसे वक्त में इराक में भी अमेरिकी दूतावास पर हमला होना ये इसी ओर इशारा कर रहा है कि क्या कहीं इसमें भी हुती विद्रोहियों का तो हाथ नहीं हो सकता।